तो हाँ जी, कितना सारे वेलकम बैक। तो जी आ गए एक और नया व्लॉग लेके। तो जी आज हम खड़े हैं बैंकॉक के अंदर। एक्चुअली हमने चलना है स्वर्ण लूम लुम्पनी। एक्चुअली बैंकॉक के अंदर एक जगह है जहाँ पे मार्केट लगी हुई है जो साल के अंदर 10 दिन के लिए ही लगती है, और आज आखिरी दिन है। मैं जा ही नहीं पाया था, तो मैंने कहा आज चलते हैं, आपको दिखाते हैं वो मार्केट भी, और बहुत ज़बरदस्त मार्केट है। लेकिन उससे पहले मैं आया था कार वॉश कराने के लिए, क्योंकि कार बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। काफ़ी दिन से टाइम ही नहीं मिला गाड़ी साफ़ कराने का और व्लॉगिंग करने का भी। तो मैंने कहा कंटिन्यू करते हैं व्लॉग, और हो सकता है कि अब कंटिन्यू ही आएंगे व्लॉग। तो गाड़ी हमने खड़ी कर दी है, एक्चुअली लाइन लगी हुई है, संडे भी है आज। लेकिन कोई बात नहीं, अपना नंबर आ जाएगा जल्दी। अंदर कैफ़े बना हुआ है, वहाँ चल के अपना वेट करते हैं, 10-15 मिनट में नंबर आ जाएगा। तो इतने कॉफ़ी कूफ़ी ले लेते हैं और फिर निकलते हैं मार्केट की तरफ। तो मैंने अपनी छा के ऑर्डर कर दिया, जो थाई टी है यहाँ पे। तो मैं इतनी देर वेट करेंगे, यहाँ बैठ के ड्रिंक इंजॉय कर लेते हैं। तो नाइस कैफे है, अंदर कैफे भी बहुत सुंदर बना हुआ है। आराम से यहाँ पे बैठ के आप वेट कर सकते हैं। आप यहाँ बैठ जाते हैं, यहाँ से दिख भी जाएगा कार वॉश होती हुई भी। ये सही है। लो जी, फाइनली गाड़ी की शक्ल ही निकल आई। बहुत गंदी हो रही थी गाड़ी, और अब देखो बिल्कुल वाइट हो गई है निकल के। मुझे लग नहीं रहा था इतनी जल्दी कर देंगे क्लीन, क्योंकि इनके पास गाड़ियां बहुत सारी खड़ी हैं। लेकिन भाई साहब इनकी स्पीड बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन गाड़ी एकदम चमका दी इन्होंने। और इसी के साथ अपनी टी भी आ गई, थाई टी से बोलते हैं छा के हो। परफेक्ट है। तो जी फाइनली कार हो गई डन। 300 बार लगे हैं वॉशिंग के, वैसे नॉर्मली 250 बार में हो जाती है, लेकिन ये 300 बार लेते हैं। लेकिन बहुत अच्छे से क्लीन कर देते हैं। अब निकलते हैं यहाँ से। जी गाड़ी एक नंबर की चमका दी, वाह भाई, इसे कहते हैं कार क्लीन। गाड़ी एकदम क्लीन कर दी भाई, डैशबोर्ड से लेके हर चीज़ ज़बरदस्त वाली। इसीलिए यहाँ पे 300 बार देना वर्थ लगता है, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल क्लीन कर देते हैं। मतलब सारी चीज़ें अंदर से, डैशबोर्ड से लेके सारी चीज़ें क्लीन करते हैं बहुत अच्छे से यार। 250 वाली वॉशिंग में क्या है कि अगर आप वॉश कराने जाओगे वो वॉश भी जल्दी कर देंगे, लेकिन उसमें क्या है कि गाड़ी बार बार से ही साफ़ करते हैं, अंदर से कोई ज़्यादा साफ़ नहीं करते। और आई थिंक इसका ऑयल भी चेंज होने वाला है, तो लगे हाथ अगली बार ऑयल भी चेंज करा लेंगे। लो जी सारा का सारा ट्रैफिक रोक दिया। आई थिंक कोई VVIP निकल रहा है इसीलिए रोका है। वहाँ पुलिस वाला खड़ा है एक्चुअली, और सारा का सारा ट्रैफिक रोक रखा है वहाँ से पीछे से यहाँ तक। तो खोल दिया ट्रैफिक, मैंने कहा बढ़िया हो गया, शायद VIP जा रहा है तो अपना फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन यहाँ इन्होंने रोक दिया, आपने थोड़ा सा और आगे जाना था। अब यहाँ से 14 मिनट दिखा रहा रास्ता। लो जी फाइनली खुल ही गया रास्ता, ये ठीक है। मुझे लगा कि हो गया काम, 10-15 मिनट यहीं लग जाएंगे, लेकिन फटाफट खोल दिया। यहाँ बैंकॉक में ये चीज़ ठीक है, ये ट्रैफिक बहुत जल्दी क्लियर करा देते हैं। और इनका ज़्यादातर क्या है कि जिस रास्ते पे ज़्यादा ट्रैफिक होता है वहाँ पे लेन 3 या 4 ज़्यादा बना देते हैं आने की। मतलब जैसे जाने की 3-4 लाइनें हो गई और आने की सिर्फ एक ही लाइन। अब जैसे जाने की वही 3 लाइनें इधर, 1 लाइन उधर कर रखी है, और उधर से वापसी की 1 ही लाइन है। तो ये चीज़ सबसे बढ़िया है। और ये आ गया आपका MBK। और वो सामने महानगोन टावर है, बैंकॉक की सबसे ऊंची बिल्डिंग। भाई पार्किंग का इतना बड़ा लफड़ा है कि इस पार्क के 4 चक्कर लगा लिए। और हाँ मैं बता दूं यार, ये लुम्पनी पार्क है जहाँ पे ये फेस्टिवल हो रहा है। एक्चुअली ये मेरे ख्याल रेड क्रॉस वालों ने कराया है और वहाँ पे आए। और ये लुम्पनी पार्क इतना बड़ा है कि इसके अब 4 चक्कर लगा लिए। और पार्किंग मैंने कहाँ लगाई है, पार्किंग तो फुल थी, गाड़ी मुझे रोड के बीच में लगाई है। एक्चुअली इन्होंने बैरिकेड लगा के जितने भी इसके कट थे ना वो सारे इन्होंने रोक रखे हैं, तो वहीं पे गाड़ी की पार्किंग लगाई है बिल्कुल सेंटर के अंदर। और रश इतना ज़्यादा है अंदर, मुझे लग नहीं रहा पैर रखने की भी जगह होगी अंदर।
तो ये अंदर पार्क के अंदर पूरा सेटअप ही चेंज कर दिया इन्होंने, पूरी मार्केट पार्क के अंदर ही बना दिया इन्होंने। यहाँ पे गार्लिक ब्रेड दिए इन्होंने ट्राई करने के लिए, ट्राई करके देखते हैं। भाई बहुत टेस्टी है गार्लिक ब्रेड, एक्चुअली यहाँ पीछे ही मिल रही है, मतलब फ्री में यहाँ पे टेस्ट कराने के लिए दे रहे हैं आपको, और वहाँ पीछे काउंटर अगर खरीदनी है वहाँ से ले सकते हैं। टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त है इसका। तो ये थोड़ी सी भूख लग रही है, यहाँ सॉसेज मिल रही है वो क्रंची टाइप होती है ना फ्राई करके, वो लेते हैं चीज़ के साथ 69 baht में। और हाँ मास्क का बता दूँ, एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे अभी भी लोग मास्क वेयर करते हैं, विदाउट मास्क यहाँ कोई नहीं घूम रहा होगा। विद चीज़ भूख सिपका हुआ है। तो जी मैंने ऑर्डर कर दिया चिकन वाला, एक्चुअली इसमें ऑप्शन है आपके पास चीज़ या विदाउट चीज़, मैंने चीज़ वाला लिया। तो भाई यहाँ तो नेक्स्ट लेवल ही, अंदर मेला ही लगा हुआ है पूरा का पूरा, झूले वगैरह बहुत ज़बरदस्त, जैसे अपने वहाँ मेला ही लगता है ऐसे ही लगा हुआ है यहाँ पे भी, लेकिन भाई नेक्स्ट लेवल है झूले, यहाँ पे बड़े भी झूल सकते हैं, अपने वहाँ छोटे बच्चों का होता है ज़्यादातर। भाई अब निशाने लगा के देखते हैं यहाँ पे सामने, तो भाई 50 baht के 3 है, लगा के देखते हैं निशाने, 3 मिले हुए हैं, अगर 3 लगे तो पैड़ी वगैरह मिल जाएगा, लगा के देखते हैं। दो खराब चले गए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। वो जो मेरे पीछे आंटी है वो काफी देर से लगी हुई है, उनका फिर भी नहीं लग रहा निशाना। भाई आंटी मान नहीं रही आज, आंटी सारे डैडी गिरा के ही मानेगी, लेकिन आप चलते हैं आगे। एक्चुअली यहाँ पे जितने भी टॉय है ना आपको आपकी पुरानी याद ताजा करा देंगे, एक्चुअली क्या है तो बच्चों के लिए लेकिन बड़े भी चला सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देख लो, अब ये बना तो रखे बच्चों के लिए लेकिन यहाँ पे गोरे भी मजे ले रहे हैं, जैसे कार होती है ना कार वैसे ही बना रखे हैं ये। मैं एक्चुअली पहली बार आया हूँ इस तरफ, और बहुत ही अच्छे तरीके से बना रखा है इन्होंने ना, बच्चों के लिए तो है ही, अब बड़े भी इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। और ये नहीं कि छोटी मोटी राइड है, थोड़ी बहुत बहुत सारी राइड्स हैं यहाँ पे, जैसे पहले झूले हुआ करते थे मैनुअल वाले वो भी लगे हुए हैं यहाँ पे बड़े वाले, जैसे फेरी व्हील टाइप जो होते हैं। तो भाई एक्चुअली क्या है यहाँ पे पारा कितना बड़ा है चल चल के, सॉरी एक्चुअली क्या भाई पारा कितना बड़ा चल चल के ना भूख लगाई फिर से, मैंने नगेट ऑर्डर कर दिया। एक्चुअली यहाँ पे एक चीज़ बढ़िया कर रखी है कि हर जगह ना खाने के स्टॉल बहुत सारे हैं, आप थोड़ा बहुत खाते रहो और घूमते रहो, क्योंकि पारक बहुत बड़ा है, पैदल चलना मुश्किल है, 2-3 किलोमीटर के अंदर ही होगा ये पारक, ज़्यादा ही होगा, 3 किलोमीटर कम कह दिया मैंने, कम से कम 4-5 किलोमीटर के अंदर है ये पारक। तो जी अब निकलते हैं अपन यहाँ से, अंदर तो अभी भी लगी हुई है सेल, और हाँ अंदर सेल भी लगी हुई है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है 60-70%, जो काफ़ी सारे ब्रांड हैं MC वगैरह और यहाँ के थाई ब्रांड हैं उन पर 70% तक डिस्काउंट मिल रहा है, और मैंने गाड़ी पार्क करी थी वहाँ पे रोड पे। अब जाके रोड पे से गाड़ी निकालनी है, शुक्र है पहले चेक कर लूँ लॉक तो नहीं लगा गाड़ी को। नहीं भाई बच गया। एक्चुअली क्या है अगर यहाँ पे आपने गाड़ी गलत कहीं पे भी पार्क कर दी ना तो उसी टाइम लॉक लग जाता है, और आज वैसे जैसे सारा खुला हुआ था पार्किंग की जगह नहीं है, तो इसीलिए गाड़ी कहीं पे भी आप लगा सकते हैं, अदरवाइज लॉक लगा देंगे तो आपको थाने में जाके फाइन भर के फिर पुलिस वाला आएगा और फिर आपकी गाड़ी का लॉक खोलेगा, उससे पहले हम अपनी गाड़ी का लॉक खोल के निकलते हैं यहाँ से। Pásame los gumis.
तो जी वहाँ से आ गया सेंट्रल वर्ल्ड, और सेंट्रल वर्ल्ड पे भी क्रिसमस की पूरी थीम सेट हो चुकी है। चारों तरफ क्रिसमस की ही थीम है, और क्रिसमस ट्री भी लग चुका है यहाँ पे, काफ़ी हाइट पे है यहाँ पे, क्योंकि हर बार क्रिसमस के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहता है, क्योंकि ये सेंटर एरिया है पतूनाम, तो यहाँ पे काफ़ी क्राउड रहता है। और यहाँ पे ट्री इन्होंने जो लगाया ना, काफ़ी हाइट पे लगाया है इस टाइम, पहले इतना हाइट पे नहीं लगाया करते थे। और यहाँ पे क्रिसमस ट्री की हाइट हर साल बढ़ती जा रही है, पिछले साल थोड़ा कम हाइट पे था, इस बार पूरी हाइट दे रखी है, इतना बड़ा क्रिसमस ट्री भाई साहब, मौसम लग रहा है। और आज मौसम भी बड़ा ठंडा ठंडा हो रखा है, बिल्कुल ठंड सी लग रही है, नहीं तो कभी मौसम इतना ठंडा होता नहीं है बैंकॉक के अंदर, नॉर्मली गर्मी ही रहती है, लेकिन ठीक है, क्रिसमस और नया साल आ रहा था, थोड़ा सा ठंडा मौसम बना रहे ज़्यादा बढ़िया है। और यहाँ पे कॉन्सर्ट वगैरह चलते ही रहते हैं कोई ना कोई, मतलब ये सेंट्रल वर्ल्ड के बाहर वाली जगह ना, ये ऑलमोस्ट बिजी रहती है कॉन्सर्ट के लिए। भाई एनर्जी ड्रिंक, तो भाई एनर्जी ड्रिंक है यहाँ पे प्रमोशन कर रहे हैं, रॉक स्टार एनर्जी ड्रिंक, तो ऐसे प्रमोशन वगैरह भी चलते रहते हैं, तो कोई बात नहीं, लोग कॉन्सर्ट इंजॉय कर रहे हैं, आप ड्रिंक इंजॉय करते हैं। और अगर आप सेंट्रल वर्ल्ड आते हैं तो यहाँ आना मत भूलना, क्योंकि सेंट्रल वर्ल्ड के साथ में ही गणेश जी की और त्रिमूर्ति जी की मूर्ति भी स्थापित है, तो यहाँ आना तो बनता है, यहाँ पे प्रे करना भी बनता है, क्योंकि ये बिल्कुल सेंट्रल वर्ल्ड के साथ में ही है, ये सेंट्रल वर्ल्ड और उसके साथ में यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति स्थापित है और त्रिमूर्ति जी की भी, और इसके अपोजिट साइड में ही बिक्सी है, तो अगर आप सेंट्रल वर्ल्ड आ रहे हैं तो यहाँ आना मत भूलना। अरे जो मेरे पीछे आवाज़ आ रही थी वो लड़कियों की आ रही थी, जो लगे हुए थे फटाफट राइस बनाने में, क्योंकि यहाँ पे थाई फूड की बहुत सारी वैरायटी हैं, तो आप कुछ भी खा सकते हैं यहाँ पे, चिकन खाना चिकन खा सकते हैं, वेज खाना वेज में खा सकते हैं, और फ्रूट तो इनका मीठा है ही है, कोई भी फ्रूट खा सकते हैं, टेस्ट एक नंबर। ओ वाओ, बोटॉक्स की बड़ी वाली शीशे बना रखी है, उसके अंदर टेडी बेयर भरे हुए हैं, भाई ये कुछ भी कर सकते हैं, थाईलैंड के अंदर नेक्स्ट लेवल ही होती है हर चीज़, कोई भी चीज़ नॉर्मल नहीं होती, सारी चीज़ें नेक्स्ट लेवल। तो इसी नेक्स्ट लेवल के साथ आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।